सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक फूड स्ट्रीट पे मौजूद हूँ। अभी मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ एक जबरदस्त सी जगह पर, सो इंतजार किस बात का, चलिए चलते हैं। जी व्यूअर्स, मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ एक जबरदस्त से पकवान सेंटर में। जी हाँ, आप लोगों के अपने एजाज पकवान सेंटर में आप लोगों को लेकर आई हूँ, जिनकी सर्विसेज बहुत ही जबरदस्त और मुनफरिद सी है। ना सिर्फ सर्विसेज बल्कि इनका जो है खाने का मेयार वो भी बड़ा ही जबरदस्त है। इनकी 24/7 सर्विसेज से आप लोग घर बैठे बैठे मुस्तफीद हो सकते हैं, और साथ ही साथ कभी इमरजेंसी हो जाए, कहीं पे कोई खाना शॉर्ट पड़ जाए, तो इनकी 24/7 सर्विस से आप लोग काफी हद तक फायदा उठा सकते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ एक मौजूद है यहाँ पे एजाज पकवान के रेगुलर कस्टमर, इनसे हम जानते हैं कि क्या बुक करवाने आई हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तूबा। तूबा क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में है। तूबा की फैमिली भी यहीं पे खड़ी है व्यूअर्स, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही, तो इसलिए मैं तूबा से ही बात करती हूँ। आप यहाँ पे आई है एजाज पकवान पे, क्या ऑर्डर करने आई है आप यहाँ पे कुछ? जी। क्या बनवाने आई है? बिरयानी। बिरयानी, बिरयानी आपको पता है मेरी भी फेवरेट है, लेकिन क्या आप लोग इधर से रेगुलर बनवाते हैं खाना? जी रेगुलर। रेगुलर बनवाते? जी जी। कितने अरसे से आप लोग यहाँ से खाना पकवा रहे हैं? हम लोग काफी अरसे से बनवा रहे हैं, 20 years के। 20 साल से पकवा रहे हैं। अच्छा तुबा, मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा कुछ हुआ कि खाने में नमक तेज हो गया हो, या मिर्चें तेज हो गई हो, या आप लोगों ने ऑर्डर दिया हो कि हमें लाइट बिरयानी चाहिए लेकिन इन्होंने जो है स्पाइसी बिरयानी डिलीवर कर दी हो? नो, कभी ऐसा नहीं, हर चीज़ परफेक्ट होती है। हर चीज़ परफेक्ट होती है? बिल्कुल। जैसे आप, मुझे तो यहाँ की कढ़ाई बहुत पसंद है, मुझे तो यहाँ की कढ़ाई बहुत पसंद है, और आपको, आपने कहा बिरयानी पसंद है, कढ़ाई ट्राई की है कभी यहाँ की? जी बिल्कुल करी है, वो भी काफी टेस्टी होती है। टेस्टी होती है कढ़ाई, और निहारी मुझे बहुत पसंद है। लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैंने कढ़ाई ट्राई की थी व्यूअर्स यहाँ पे। जी व्यूअर्स, इस वक्त जो एक फैमिली है वो पिकनिक से आई है, इनसे हम जानते हैं इन्होंने ऐसा यहाँ क्या चीज बुक करवाई थी और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है बहुत। अच्छा मुझे ये बताइए, पिकनिक पे आप लोग गए थे, आप लोगों ने यहाँ से खाना पकवाया, क्या आप लोग रेगुलर यहीं से बनवाते हैं? यहीं से बनवाते हैं। आप पिकनिक के लिए क्या बनवाया था आप लोगों ने? चिकन बिरयानी बनवाई थी। चिकन बिरयानी, तो कैसी थी बिरयानी? बहुत अच्छी थी। अच्छा अंकल मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने खाने का ऑर्डर आप लोगों ने दिया 10 किलो का, तो आप लोगों को 9 किलो डिलीवर किया हो इन्होंने? नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं हुआ कभी भी। नहीं, पूरा ईमानदारी। टेस्ट के हिसाब से कैसे? बहुत अच्छी है, हम इसी से बनवाते हैं। कितने अरसे से आप लोग खाना यहाँ से बनवा रहे हैं? जब भी कभी पिकनिक पे जाते हैं जब बनवाते हैं। पिकनिक और शादी वगैरह पे यहीं से बनवाते हैं? यहीं से बनवाते हैं। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एजाज आइसक्रीम एंड चटखारा सेंटर पर। यहाँ के टेस्ट की क्या ही बात है। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताती चलूँ कि आप लोग घर बैठे बैठे फूड पैंडा की ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके कुछ भी आपको खाना हो आप मंगवा सकते हैं। अभी अंदर मैं जाऊँगी, आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है, मगर उस सरप्राइज से पहले यहाँ एक फैमिली बैठी है, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ क्या ट्राई करने आ रहे हैं या इनके एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शिराज। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं खाने के लिए गोलगप्पे या फिर आते रहते? फर्स्ट टाइम आए। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको यहाँ का टेस्ट? बहुत अच्छा है। अच्छा है ओके, और एनवायरनमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी वो भी बहुत अच्छा। अच्छी एनवायरनमेंट है यहाँ पे। ओके जी, यहाँ पे एक और साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, सर आप बताइए, आप छोले चाट ट्राई कर रहे हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? यहाँ पर बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। ओवरऑल तो मतलब ये जात के कढ़ाई वगैरह तो दूसरी चीज़ें तो खाई हैं, मगर ये फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, अच्छा टेस्ट है। अच्छा पकवान सेंटर में भी ऑर्डर करते हैं इनके?
जी हाँ, हमारे घर के ज्यादातर इवेंट इन्हीं के चीजों से होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं उधर की राय आपसे जानना चाहूंगी, कितने अरसे से आप लोग बनवा रहे हैं वहाँ पे खाना? 10 साल से ज्यादा ही हो गया। 10 साल से ज्यादा ही हो गया। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने ऑर्डर कुछ किया हो, जैसे स्पाइसी बिरयानी ऑर्डर की हो लेकिन इन्होंने जो है लाइट मसाले की बिरयानी आपको डिलीवर की हो, या ऑर्डर 10 किलो का हो और 9.5 किलो या 9 किलो डिलीवर किया हो? ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा हमारा, नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा हमारा, वरना तो हम पार्टी चेंज कर चुके होते। अच्छा, बिल्कुल। वाकई में 10 साल का एक्सपीरियंस जो टाइम पीरियड है वो काफी बड़ा है। चाट के हवाले से क्या कहेंगे आप? अभी फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ यहाँ पर, कोशिश कर रहा हूँ कि पसंद आ जाए। पसंद आ जाए, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? आप गोलगप्पे ट्राई कर रही हैं, कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे। अच्छे, स्पाइसी है या मीठे बनवाए आपने? मैं स्पाइसी खाती, मैं मीठी नहीं, मुझे पसंद। अच्छा, तो कभी अच्छी ये अभी कैसे, बिल्कुल नॉर्मल मसाला है या कभी ऐसा तो नहीं कि तेज हो जाता है बाद दफा आप स्पाइसी ऑर्डर करो तो? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा? और सबसे बड़ा फ्रेश है। फ्रेश है, ताज़े हैं, अपने हाथ के बने हुए। अपने हाथ के बने हुए, बिल्कुल अपने हाथ के बने हुए। कैसे? मजे के, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, पसंद आए? नो डाउट, बहुत अच्छे। जी जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एजाज आइसक्रीम एंड चटकारा सेंटर पे गोलगप्पे ट्राई करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे लगे आपको? जी। आपने कौन से गोलगप्पे ट्राई किए थे, स्पाइसी या मीठे? मुझे मीठे पसंद है, इसलिए मैं मीठे खा रही। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। कौन सी क्लास में? उमर क्लास 8। क्लास 8 में हो उमर? में जिसके पास भी जा रही हूँ वो जो है गोलगप्पे ही ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो आप? हम लोग पहले भी आए थे, हमने गोलगप्पे लिए थे, तो मैंने मेरे दोस्त को बोला हम आ जाके खाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के गोलगप्पे। अच्छा, तो यहाँ पे इस दफा कुछ और क्यों नहीं ट्राई किया? इनकी तो बहुत सारी वैरायटीज है, चाट हो गई, कचौरी हो गई। मैंने पिछली दफा चाट ली नहीं थी और आइसक्रीम वगैरह ली थी, मुझे सबसे अच्छे गोलगप्पे लगे तो मैं दोबारा गोलगप्पे खाने आया हूँ यहाँ। ओके, इनकी स्पेशल आइसक्रीम ट्राई की आपने? नहीं। स्पेशल आइसक्रीम ट्राई करेगा, वो भी बहुत जबरदस्त है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद राहिन। कौन सी क्लास में? क्लास 9। क्लास 9 में हो। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको जो आपके फ्रेंड लेकर आए हैं यहाँ पे एजाज आइसक्रीम एंड चटकारा सेंटर पे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, गोलगप्पे कैसे लगे आपको? लगे बहुत अच्छे लगे मुझे गोलगप्पे। मतलब दोबारा आएंगे आप? जी दोबारा। अपने फ्रेंड्स को लेकर आएंगे यहाँ पे? जी बिल्कुल। चले, मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ, मेरे प्रोग्राम स्ट्रीट टाइम के प्लेटफॉर्म से आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें कि वो यहाँ पे आके आइसक्रीम या कुछ और ट्राई करें। मेरे जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो यहाँ आके गोलगप्पे ट्राई करें, बहुत अच्छे हैं यहाँ के गोलगप्पे। ओके जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? लुबना। कैसी आप? आप यहाँ के जो है चाट ट्राई करी, चाट कैसी लगी आपको? अच्छी है, अच्छी है। फर्स्ट टाइम आई आप यहाँ पे? नहीं, दूसरी बार आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम में क्या ट्राई किया था आपने? गोलगप्पे। गोलगप्पे कैसे थे? अच्छे थे गोलगप्पे। अच्छे। फ्रेश है चाट? कैसी फ्रेश है? मैं फ्रेश है, फ्रेश है, फ्रेश है, अच्छी। कैसे सर आप? आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, आपने लास्ट टाइम क्या ट्राई किया था और अब चाट कैसी लगी आपको? फर्स्ट टाइम हमने गोलगप्पे खाए थे, अभी 2 दिन पहले, अभी चाट ली। चाट कैसी लगी आपको? अच्छी है, बहुत अच्छी है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे साथ प्यारे प्यारे से बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे मैं जानती हूँ इनका कैसा रहा है एक्सपीरियंस। क्या नाम है आपका? अमना। कौन सी क्लास में हो? 7। ओके, क्लास 7 में हो आप। मुझे बताओ, आप गोलगप्पे ट्राई कर रही हो, कैसे लगे आपको? अच्छे। अच्छे लगे? लास्ट टाइम आपने क्या ट्राई किया था यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आई हो आप, तो कैसा लगा, आना है दोबारा यहाँ पे? आओगी? आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में हो? 2। क्लास 2 में हो। ये बताओ, गोलगप्पे कैसे लगे आपको? अच्छे। अच्छे, आपको यहाँ का पता है जबरदस्ती जो है ना, यहाँ आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे 42+ आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं। आइसक्रीम ट्राई करनी है? नहीं खाना है आइसक्रीम, गोलगप्पे अच्छे बस। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई कि आती रहती हैं? इनका खाना तो खाते हैं, सोचा आइसक्रीम भी ट्राई करें। पकवान सेंटर में इनके ऑर्डर दिए हैं आपने? जी जी। कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस आप? बहुत अच्छा, बिरयानी, कोरमा, बहुत इनकी हर चीज़ अच्छी होती है, लबे शीरी खास तौर पर, फ्रूट ट्राइफल। बिल्कुल सही कहा आपने। आज आपने क्या ट्राई किया, सिर्फ फालूदा ही खाना है? नहीं, अभी देखेंगे, और अगर इजाज़त दी अगर तो फिर और खाएंगे पेट में। ओके, आज जस्ट अभी आप फालूदा ट्राई कर रही हैं? फालूदा ट्राई किया आज हमने, करेंगे अभी, देखते हैं, आप भी करें, बहुत अच्छा है। थैंक यू, मैं बिल्कुल खाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी अपनी टीम को ऐसे बगैर कुछ खिलाए पिलाए। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए, अल्लाह का शुक्र है, आपने अभी आइसक्रीम ट्राई की यहाँ पे, आइसक्रीम के अलावा कुछ और ट्राई किया? हम इनके असल में जो भी गैदरिंग्स होती हैं घर पे, प्रोग्राम्स,
तो कुकिंग वगैरह तो इनकी ट्राई करी, कभी कंप्लेन नहीं हुई और उम्मीद यही है कि आइसक्रीम भी इनका अच्छा होगा और आज हम आए हैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी होगी और फिर आएंगे हम फैमिली गैदरिंग्स के साथ और यहाँ पे इवेंट्स वगैरह करेंगे अपने, ट्राई करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे एक और फैमिली मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि उन्होंने क्या ट्राई किया और कैसा लगा इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक है। आपने क्या ट्राई किया? मैं कल यहाँ गोलगप्पे और आइसक्रीम खाकर गई थी, मुझे अच्छे लगे तो आज बच्चों को भी लेकर आई हूँ और आज आइसक्रीम ट्राई कर रही हूँ। जी आइसक्रीम कल भी खाई थी, आज भी खाई। आज आपने मैंगो फ्लेवर ट्राई किया आइसक्रीम में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रियल मैंगो। बिल्कुल बहुत मजे का है। और कल आपने जो गोलगप्पे ट्राई किए थे, कल का कैसा एक्सपीरियंस था आपका गोलगप्पों के साथ? बहुत अच्छा, एक तो साफ सुथरे भी और उसके अलावा टेस्ट बिल्कुल रियल गोलगप्पे। रियल जब भी आप मेरी नेक्स्ट डे फैमिली के साथ आएंगे। जी 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 जी। कल आपने आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर ट्राई किया था? मैंगो करा था मैंने। आज बच्चों को कहा मैं मैंगो खिलाती हूँ, कल मैं ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियल मैंगो खा रही हूँ। अच्छा आपको पता है यहाँ पे इनके 40 प्लस फ्लेवर्स हैं इनके आइसक्रीम के। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे, अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हुदैबिया। कौन सी क्लास में? 8th। क्लास 8 में हो, आपने भी मैंगो आइसक्रीम ट्राई की? जी। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। अच्छी थी। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा आना है? अब देखते हैं इंशाल्लाह आएंगे, अब तो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। आपको कैसी लगी आइसक्रीम? अच्छी लगी ना, तो नेक्स्ट टाइम तो आना बनता है फिर यहाँ पे। जी जब पेपर खत्म होंगे तब आएंगे। अच्छा पेपर चल रहे हैं अभी आप? जी। चले विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे नंबर से पास हो। क्या नाम है आपका? आमना। कौन सी क्लास में आमना? 7th। क्लास 7th हो आमना, आपने भी मैंगो आइसक्रीम ट्राई की, कैसा लगा? आपकी मम्मा को तो फ्लेवर बहुत अच्छा लगा है, आपको फ्लेवर कैसा लगा? वैसे मुझे मैंगो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैंने ट्राई किया, मुझे मैंगो अच्छा लगने लग गया, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। जी जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था यहाँ पे एक जबरदस्त सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे कमिंग सून में ऐसे कौन से आइटम है यहाँ पे मौजूद? जीएम इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुने? अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए यहाँ पे कमिंग सून में ऐसे कौन से आइटम है जो आप लोग इंक्लूड करेंगे? मैम असल में हमारे पास जो आइसक्रीम है, स्पेशलिटीज हमारे गोलगप्पे हैं, दूर 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 से लोग आते हैं खाने के लिए। अब लोगों के इसरार पर जाहिर बात है कि नई चीज ईजाद करना चाह रहे हैं, तो हमारे जिंगर बर्गर है अभी, और बीफ बर्गर है, चिकन बर्गर है, सैंडविच की मुकम्मल रेंज लगाई है हमने, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ओपन हो जाएंगे। दूसरा हम आपको नई एक्सप्रेसो काफ़ी है वो ओपनिंग कर लिया है इसकी, बाकी इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, ताकि ये बाहर से लोग आ रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं, इंशाल्लाह काफ़ी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। अच्छी हुई है परफॉर्मेंस, नो डाउट। यहाँ पे मौजूद जो लोग आ रहे हैं, रेगुलर आप लोगों के कस्टमर हैं, उनके भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके ट्राई करने के लिए। जो चीज़ें आप बता रहे हैं कमिंग सून में है, बर्गर्स वगैरह, सैंडविचेस वगैरह, उसके अलावा कॉफ़ी के, ये सारी चीज़ें फूड पांडा के ऐप के जरिए, मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए वो घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं? जी जी, आप फूड पांडा के ऐप के जरिए आप घर बैठे कुछ भी चीज़ इंजॉय कर सकते हैं, उसमें तमाम फैसिलिटीज़ हैं आपके लिए। अभी अब देखें एक्सप्रेस और नई काफ़ी हमने वो लगाई है, वो भी आप ट्राई करें, इंशाल्लाह पसंद आएगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? शाहिना जुनेद। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए आपने यहाँ पे चाट ट्राई की, कैसी लगी आपको? अच्छी थी, हम फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, गोलगप्पे भी अच्छे थे, चाट भी अच्छी थी। चाट भी अच्छी थी, गोलगप्पे भी अच्छे थे, फ्रेश थे? फ्रेश थे। ठीक है जी, आपने क्या ट्राई किया यहाँ पे? चाट भी ट्राई की है, गोलगप्पे भी ट्राई किए हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? अगर मैं माहौल के हवाले से पूछूं कैसा लगा आपको यहाँ पे माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, फैमिली माहौल है, बहुत अच्छा लगा। जी जी, आपका क्या नाम है? हिमजा। कौन सी क्लास में हो? टू। आप चॉकलेट आइसक्रीम ट्राई कर रही हो, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अच्छी लगी आपको? आपको पता है यहाँ पे 40 प्लस फ्लेवर है आइसक्रीम के। आप नेक्स्ट टाइम आओगी कौन सी आइसक्रीम ट्राई करोगी? एक आपने स्पेशल आइसक्रीम है, नेक्स्ट टाइम में वो ट्राई करनी, ठीक है? क्या नाम है आपका? आया। कौन सी क्लास में आया? तुझे। अच्छा मुझे बताओ आपने क्या ट्राई किया आज? आइसक्रीम। कैसी लगी आइसक्रीम? अच्छी। कौन सा फ्लेवर ट्राई किया आपने आइसक्रीम में? चॉकलेट। कौन सा आपका चॉकलेट ट्राई किया? आज फर्स्ट टाइम आए हो आप? सेकंड टाइम है? पक्का? सच्ची सच्ची?
السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا آپ نے یہاں پہ اسپیشل آئس کریم ان کی ٹرائی کی، کیسی لگی آپ کو؟ بہت اچھی ہے، بہت ٹیسٹی ہے، مزہ آیا کھانے میں. سنا تھا پہلے میں نے اس کے بارے میں، آج میں خود آئی ہوں کھانے کے لیے، تو اچھی لگی. جی مطلب آپ نیکسٹ ٹائم بھی آئیں گی یہاں؟ ان شاء اللہ ضرور، اب میں وتھ فیملی آؤں گی. ان شاء اللہ. میں چاہوں گی آپ کیمرے کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کو بھی انوائٹ کریں کہ وہ یہاں پر آئیں، ان کا ناگن چورنگی میں جو ان کا آئس کریم پارلر ہے، جائے آئس کریم اینڈ چٹکارا سینٹر، اور لوگوں کو آپ انوائٹ کریں. تو آپ کیسے کریں گے؟ آئیں، یہاں پہ بہت اچھا بولر ہے، یہ بہت نیو کھلا ہے، یہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے. ایک بار کھائیں گے، بار بار آپ آئیں گے. تو میں تو ابھی آئی ہوں فرسٹ ٹائم، لیکن اب دوبارہ سیکنڈ ٹائم آؤں گی تو اپنی بھی فیملی کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی سر، آپ نے کیا ٹرائی کیا یہاں پہ؟ میں نے سرپرائز لیا ہے، الحمد للہ بہت زبردست، بہت اچھا ٹیسٹ ہے. اعجاز بھائی سے ویسے بھی ہم پکوان وغیرہ بنواتے رہتے ہیں، فیملی ہمارے یہاں جو بھی پروگرام ہوتے ہیں تو اعجاز پکوان سے ہی بنتے ہیں، اور اعجاز بھائی کے کھانے میں ویسے بھی الحمد للہ برکت بہت ہے، اور بناتے بہت اچھا ہیں، یعنی کہ جو ہے نا. ہم خود بھی ان کے ریگولر کسٹمر ہیں، میرے گھر میں بھی کوئی بھی تقریب ہوتی ہے تو ان سے ہی آرڈر ہم کرواتے ہیں. اور یہ آپ نے جس طرح کی بتایا، آپ ان کے ریگولر کسٹمر ہیں ان کے پکوان سینٹر کے بھی، آپ نے یہاں کی اسپیشل آئس کریم ٹرائی کی، وہ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا اسپیشل آئس کریم کا؟ میں اصل میں اعجاز بھائی نے خود مجھے بتایا تھا کہ ہم آئس کریم پارلر جب یہ کھل رہا تھا نا، تیار ہو رہا تھا، لیکن ہم آئے فرسٹ ٹائم وزٹ کے اوپر ہے نا یہاں پہ، ہم نے بولا چلے آج ذرا آؤٹ ڈور چلتے ہیں، آئس کریم کھا کر آتے ہیں. لیکن ان کی سرپرائز بھی اچھا ہے، فالودہ بھی اچھا ہے، باقی یہ چاکلیٹ وغیرہ جتنے بھی فلیور ہیں بہت زبردست ہیں، کیونکہ ہمیں بہت دور جانا پڑتا تھا ولیج آئس کریم وغیرہ نا صدر کے اندر، لیکن بالکل یعنی کہ جو ہے نا اس کی کمی انہوں نے پوری کر دی ہے، جیسے ولیج آئس کریم کی کمی پوری کر دی ہے یہاں پہ نارتھ کراچی جیسے علاقے کے اندر. بہت اچھا یعنی کہ جو ہے نا پلیس کھولا ہے یہ. یہاں فلیور بھی بہت ڈفرینٹ ہیں، بہت سارے ہیں، 40 پلس ان کے فلیورس ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ فیملی ماحول میں اپنی فیملی کے ساتھ آ کے بہت ایزیلی آپ بیٹھ سکتے ہیں. جی بہت اچھی جگہ ہے، اور انہوں نے تو آئس کریم کے ساتھ سونے پہ سہاگا چاٹ وغیرہ یہ وہ اور چیزیں بھی، ورائٹی بھی بہت اچھی رکھ لی ہیں ریزنیبل ریٹس پہ. جی ہاں، وہ جگہ بھی اچھی ہے اور سٹنگ پوائنٹ بھی بہت اچھا ہے فیملی کے حساب سے، ماحول بھی صاف ستھرا ہے، بہت اچھا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. جی ویورز، میں یہاں پہ موجود ہوں ان کے جو ہے کافی کے اسٹال پہ، میرا کافی پینے کا بہت دل جا رہا ہے. یہاں پہ کافی کے اسٹال پہ جو ان کے امپلائی موجود ہیں، ان سے میں جانتی ہوں کافی کیسی ہے اور کتنی دیر میں یہ ریڈی کر رہے ہیں. جی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. مجھے مطلب کافی کے حوالے سے اگر میں جاننا چاہوں آپ سے، تو آپ کیا بتائیں گے کیا فرق ہے نارمل کافیز میں اور یہاں کی کافی میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھو ہماری کافی یہاں کی اسپریسو کافی ہے، اور ہماری کافی جو ہے سب سے بیسٹ ہے. گھر میں جو بنتی ہے وہ ہاتھ سے اور چولہے کے اوپر بنتی ہے، یہ ایکچوئل مشین کے اوپر بنتی ہے، اور اسٹیم کے اوپر بنتی ہے. وہ کافی کا کچھ اور مزہ ہوتا ہے، جو گھر میں بنتی ہے وہ چولہے کے اوپر بنتی ہے. اس وجہ سے جو ایکسپریسو کافی بہت زیادہ لائک کرتے ہیں کسٹمر، تو یہاں میرے پاس آتے رہتے ہیں کسٹمر جو ہیں زیادہ تر ایکسپریسو کافی لائک کرتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ ایکسپریسو کافی ہی چلاتے ہیں. اچھا چلیں آپ جلدی سے کافی ریڈی کریں، میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کافی ٹرائی کرنے کے لیے، دیکھوں گی کس طرح سے آپ کافی بناتے ہیں. جی ویورز، میری کافی تو ریڈی ہے، میں ٹیسٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کیسی بنی ہے. بہت ہی زبردست کافی ہے، سیریسلی میں بہت سی ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے میں نے کافی ٹرائی کی، لیکن جو ٹیسٹ مجھے یہاں پہ ملا ہے ایسا ٹیسٹ میں نے کہیں پہ بھی نہیں پایا. آپ لوگوں سے بھی میں کہوں گی کہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ فوڈ پینڈا کی ایپ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے گھر بیٹھے بیٹھے جو چیزیں آپ لوگوں کو ٹرائی کرنی ہے آپ لوگ گھر بیٹھے بیٹھے منگوا سکتے ہیں. جی ویورز، اس وقت میرے ساتھ فوڈ پینڈا کے ایک امپلائی موجود ہیں، ان سے میں جانتی ہوں آرڈرز کی کوانٹٹی کے حوالے سے. آرڈرز کی کوانٹٹی کتنی ہوتی ہے آپ ڈیلی، اگر ڈیلیوری کے حوالے سے میں پوچھوں ایوریج آپ بتائیے کہ کتنے آرڈرز آپ ڈیلیور کرتے ہیں اعجاز آئس کریم اینڈ چٹکارا سینٹر کے؟ 60-70 تو ہو جاتے ہوں گے، ابھی 46 ہیں، ابھی اچھے ہیں یہاں پہ آرڈر، اور جلدی مل جاتا ہے اعجاز پکوان پہ. باقی اور جگہ جاؤ تو وہاں تھوڑا دیر لگتی ہے، ابھی یہاں اچھا ہے، یہاں پہ فوراً ڈیلیور ہوتا ہے. ہاں اب یہاں فوراً ہو جاتا ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا ان کی طرف سے کوئی دیر سویر ہوئی ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہوا، 4-5 منٹ یہ لوگ پہلے دے دیتے ہیں ہائی ٹائمنگ کے حساب سے. جیسے ابھی میں آیا یہاں پہ مجھے 1 منٹ مل گیا،
मेरे पास अभी टाइम है 4-5 मिनट का, लेकिन अभी मुझे पहले मिल गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बताइए आपने कौन सा फ्लेवर ट्राई किया और कैसा लगा आपको? मैंने पिस्ता फ्लेवर ट्राई किया और ये भी बहुत मजे का है, टेस्टी। अच्छा? है हाँ, बहुत मजे का। अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल। आपने कौन सा आप भी पिस्ता फ्लेवर ट्राई करे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। आप दोबारा आएंगे मतलब यहाँ पे? इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम करते हुए आज जितना मैंने इंजॉय किया, आई होप सो आप लोगों ने भी उतना इंजॉय किया होगा। यहाँ पे प्यारे प्यारे से लोगों से मैंने बात की, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे थे जो इनके एजाज पकवान के भी रेगुलर कस्टमर थे, वो यहाँ पे एजाज आइसक्रीम चटखारा सेंटर पे आके यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इनके आइटम्स ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे इनके कमिंग सून के आइटम्स में एक दफ़ा आपको दोबारा बताती चलूँ, बर्गर हैं, सैंडविचेस हैं, इसके अलावा कॉफ़ी है जो मैंने ट्राई की, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे आए और इनकी कॉफ़ी और बहुत से जो आइटम्स हैं बहुत टेस्टी हैं, वो ज़रूर ट्राई करें आप। यहाँ पे आपने देखा बच्चों जो आइसक्रीम ट्राई कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे आइसक्रीम को, जितनी फैमिलीज आई थी, एनवायरमेंट के हवाले से भी उनके बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स थे जो आप लोगों तक हमने पहुँचाए। मैंने तो बहुत फ़न किया प्रोग्राम करते हुए, आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को और बताती चलूँ, एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवाती हुई चलूँ कि एजाज पकवान सेंटर की जो सर्विस है 24/7 की सर्विस, उससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। घर बैठे बैठे कभी भी आपको भूख लगती हो या कुछ भी आपको खाना पीना हो, आप लोगों के टीवी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं आप लोग उस पर ऑर्डर करके फूड पांडा की ऐप के जरिए आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं। मेरा प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, मैसेजेस के जरिए, कॉल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों को बताइएगा कि प्रोग्राम को मज़ीद हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपना अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुरे शहवार और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।